हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम लोग इस वीडियो में सर आए हैं नया टॉपिक लेकर, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको लेकर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं करवाया आपने, क्योंकि ओल्ड कोर्स के अभी स्टूडेंट्स बहुत हैं, एक्सटेंशन मिल चुका है ओल्ड कोर्स को। तो ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि सर आपने अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं करवाया। तो लो बेटा, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने बाकी तो सब कुछ करवा दिया यूट्यूब पे, सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी रह गया। सर लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कर लेते हैं सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये आपका क्या है सर, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही है, ये ICI का मॉड्यूल ही है जहां से हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे, राइट। तो आप लोगों के पास ये मॉड्यूल होगा या फिर आप लोग ICI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो वहीं से हमने उठाया, ये चैप्टर 2 है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है सर एग्जाम में। ठीक, एक वैसे ही हम लोगों को जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये चैप्टर जरूरी है कि किस तरह से वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स का देखा, काफी दिक्कत आ रही थी, स्टूडेंट्स कह रहे थे सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में नहीं आ रहा, जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स थे। तो बहुत ईजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग इसे समझेंगे अच्छे से क्या मतलब है सर। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या है। सर आपने सुना होगा कि हम लोग अक्सर बात करते हैं सर वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, बोलते हैं ना हम लोग। इसी तरह से मैं कहता हूं कि सर वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बदल जाती है। सर इसका क्या मतलब है, पैसे की वैल्यू बदलने का क्या मतलब है कि सर क्या जो आज 2000 रुपी का नोट है हमारा, क्या उसके ऊपर 1000 लिखा जाएगा या उसके ऊपर 3000 लिखा जाएगा। सर वैल्यू से क्या मतलब है, वैल्यू से मतलब है सर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, कि उस पैसे से हम लोग क्या खरीद सकते हैं, आज की डेट में क्या खरीद सकते हैं, कल क्या खरीद सकते हैं, आज से 10 साल बाद क्या खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। है क्या सर, सिंपल सी एग्जाम्पल उन्होंने भी ली और सिंपल सी एग्जाम्पल हम भी लेंगे। सपोज करो कि आपने किसी से 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, 10,000 रुपए लेने हैं मिस्टर एक्स से। अब मिस्टर एक्स आपको बोलते हैं कि या तो आप मेरे से 10,000 आज ही ले लो। सर आज क्या है, सर मैं कहता हूं 1st of August 2020 है, वो कहते हैं या तो आज ही ले लो, दिस इज टुडे। कहते सर ऐसा है, या तो आप मेरे से 10,000 आज ही ले लो, या फिर आप ऐसा करो कि आप मेरे से 2 महीने बाद ले लो, दैट इज आप 1st of October को ले लो मेरे से पैसे 10,000 रुपये। तो आपको उन्होंने ऑप्शन दी कि आप 10,000 या तो आज ले लो या फिर 2 महीने के बाद ले लो, आप क्या चूज करोगे एज अ लेमैन। सब भूल जाओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या पढ़ रहे हैं सर, सब भूल जाओ, आप क्या चूज करोगे। सर एज अ लेमैन हम लोग ऑब्वियसली चूज करेंगे कि सर आज ही दे दो पैसा, हम 2 महीने क्यों वेट करेंगे। सर आती हुई चीज पैसा, वो भी सर आती हुई चीज और वो भी पैसा, और उसको हम लोग इनकार कर दें, सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं भैया आज ही दे दो, आज ही दे दो, आज ही दे दो, कल का क्या पता, कल को 2 महीने बाद आप कहाँ हो, आप चले जाओ सर, आप स्विट्जरलैंड के बैंक में चले जाओ, वहां जमा करवा दो, आपको जी वहां से ले लो जाके, सर मैं कहाँ भटकता फिरूंगा। तो इसका मतलब क्या है, अब आज की डेट में 10,000 लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आप आज 10,000 लोगे, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, आप इसको जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे, राइट। बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे से आपको बैंक 4% का इंटरेस्ट देता है इस पैसे के ऊपर, ठीक है ना, आपको 4% का इंटरेस्ट देता है। तो सर इस पीरियड में आप ये 10,000 के ऊपर 4% का इंटरेस्ट कमाओगे फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। कितना बना सर, 10,000 का 4%, राइट, ये बना सर 67 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो अगर हम लोग 1st October को बात करें तो इस पैसे की वैल्यू 1st October को क्या होगी, 10,000 जो आया था प्लस जितना हम लोगों ने इंटरेस्ट कमाया, दैट इज 10067। अगर मैं आज की डेट में पैसा उससे ले लेता हूं, अगर यही पैसा मैं 1st of October को लेता, मैं आज नहीं लेता पैसा, मैंने कहा 2 महीने बाद दे देना यार कोई बात नहीं फिर क्या है, तो इस डेट को पैसा क्या होगा, इस डेट को 10,000 होगा, समझ रहे हो। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम के साथ मनी की जो वैल्यू है वो चेंज
होती है। अगर आज की डेट में पैसा लेंगे तो वैल्यू उसकी दो महीने बाद ये वैल्यू होगी, और अगर दो महीने बाद पैसा लेंगे तो उसकी वैल्यू 10,000 होगी। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर? तो उन्होंने भी यही लिया, उन्होंने कहा इफ यू आर ऑफर्ड अ चॉइस बिटवीन हैविंग 10,000 टुडे एंड हैविंग 10,000 एट अ फ्यूचर डेट, अगर दो महीने बाद, यू विल यूजुअली प्रेफर टू हैव 10,000 नाउ। व्हाई सर? ऑब्वियस है। सिमिलरली इफ द चॉइस इज बिटवीन पेइंग 10,000 नाउ और पेइंग द सेम 10,000 एट अ फ्यूचर डेट, यू विल यूजुअली प्रेफर टू पे 10,000 लेटर। सर अगर पेमेंट की बात आ जाए, यहां तो लेने की बात थी, सर अगर पेमेंट की बात आ जाए तो अगर कोई आपसे कहे भैया 10,000 आज दे दे, आप क्या कहोगे? या तो आज ले ले या दो महीने बाद ले ले। ठीक है, आप एक इंसान को ऑप्शन देते हो, आपने किसी का पैसा देना है तो आप उसको कहते हो भैया या तो आज ले जा या दो महीने बाद ले जा। सच बताना मन में क्या होगा? सर मन में यही होगा कि भैया आज मत मांग लेना, दो महीने बाद का कह दे कि दो महीने बाद लेने आऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उस पैसे के ऊपर दो महीने का इंटरेस्ट खाना चाहते हो। अगर आप उसे आज 10,000 रुपए दे दोगे, इफ यू गिव हिम 10,000 रुपीज टूडे ओनली, यू विल लूज द इंटरेस्ट फॉर 2 months, राइट? सो अगर पेमेंट की बात आएगी तो आप डिले करना चाहोगे कि भैया दो महीने बाद ले जाना। इट इज अ सिंपल कॉमन सेंस, इन द फर्स्ट केस एक्सेप्टिंग 10,000 अर्ली यू कैन सिंपली पुट द मनी इन द बैंक एंड अर्न सम इंटरेस्ट। वही किया हम लोगों ने। सिमिलरली इन द सेकेंड केस बाय डेफरिंग द पेमेंट यू कैन अर्न द इंटरेस्ट बाय कीपिंग द मनी इन द बैंक। कहते दूसरे केस में अगर पैसा देने में देरी करोगे, अगर उसको कहोगे दो महीने बाद ले जाना, तो दो महीने का इंटरेस्ट कमाओगे आप लोग। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, की वक्त के साथ पैसे की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बदल जाती है। ठीक है, सपोज करो कि आज आप एक टी शर्ट लेने गए, आज आपने वो टी शर्ट 2,000 की ली, 6 महीने बाद आप फिर से उस शोरूम पे गए, वो टी शर्ट कितने की थी? 2,500 की थी। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो चीज आप 6 महीने पहले 2,000 की खरीद सकते थे, आज वो चीज 2,000 में खरीद नहीं सकते हो। आज उसके लिए यू विल हैव टू शेल आउट 500 एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ मनी। 6 महीने बाद उस 2,000 की जो चीज थी वो 2,500 की हो गई, अब 2,000 में आप वो चीज खरीद नहीं सकते। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देयरफॉर द टाइम गैप अलाउड हेल्प अस टू मेक सम मनी। दिस इंक्रीमेंटल इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया सर, वो ही पैसा जो है वो, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। If the bank interest for zero, अगर वो कहता है कि bank interest zero होगा, तब क्या होगा? What would be the time value? You rightly guessed, it would be zero. Obviously, अगर यहाँ पर bank interest zero होगा, ठीक है, तो मुझे कोई पैसा क्या फर्क पड़ता है सर, मैं आज की डेट में 10,000 लूँ या कल की डेट में या दो महीने बाद 10,000 लूँ, मुझे कौन सा कुछ कमाना है? तब भी वैल्यू 10,000 रहेगी, आज लूंगा तब भी दो महीने बाद वैल्यू 10,000 रहेगी। ठीक है, उसमें कोई इंक्रीमेंटल गेन तो होने वाला है नहीं मुझे। अगर आज मैं 2,000 की टी शर्ट खरीद रहा हूँ, कल को भी सर वो 2,000 की रहने वाली है। अगर मुझे इस चीज़ की श्योरिटी है कि कल को भी 2,000 की रहने वाली है, तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, वो कहते हैं रीजंस क्या है, रीजंस व्हाई मनी इन द फ्यूचर इज वर्थ लेस देन द सिमिलर मनी टुडे। कहता हम लोग कहते हैं कि सर कल को जाकर उस पैसे की वैल्यू जो है वो कम होने वाली है। क्यों कहते हैं ऐसा? आज उस पैसे की वैल्यू ज्यादा क्यों है? अगर आज की डेट में लूंगा तो उस पैसे की वैल्यू है 10,067, कल की डेट में उसकी वैल्यू है 10,000, ऐसा क्यों होता है? दो तीन कारण है। प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, कहता है कि प्रेफरेंस क्या है? वही चीज है सर, आती हुई चीज और वो भी पैसा, तो मैं उसको मना कैसे कर सकता हूं? ऑब्वियसली मैं यही प्रेफर करूंगा कि मुझे आज की डेट में पैसा मिल जाए, मैं उसका बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, या मैं उसको कहीं खर्चा करना है मुझे खर्चा कर दूं, जो करना है सर कर दूं मैं उसका। लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगी कि मैं आज की डेट में पैसा ले लूं अगर कहीं से लेना है। इंडिविजुअल्स हैव अ प्रेफरेंस फॉर द करंट कंजम्पशन इन कंपैरिजन टू द फ्यूचर कंजम्पशन। वो कहता है कल किसने देखा, आज की डेट में पैसा लो मजे करो। In order to forego the present consumption for a future one, they need a strong incentive. Say, for example, if the individual's present preference is very strong, then he has to be offered a very high incentive to forego it, like a higher rate of interest. वो कहते हैं कि अगर उसे आज की डेट के लिए छुड़वाना है तो उसे बोलना होगा कि भैया कल की डेट में मैं तुझे
एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, बहुत सॉलिड कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा। अगर वो मुझे कह दे कि सर 10,000 आज ले लो, अगर 2 महीने बाद लेना है तो मेरे से एक काम करो 10,500 रुपये ले लो, ठीक है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं ये प्रेफर करूंगा या फिर मैं 10,500 प्रेफर करूंगा। ऑब्वियसली सर इन दैट केस 10,500 प्रेफर करूंगा। तो वो कहता है कि हमेशा एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस ये रहती है कि आज की रेट में पैसा ले लूं, अगर उसको टालना है तो उसे इंसेंटिव देना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज इन्फ्लेशन है सर, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन होता ही होता है, चीजें महंगी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक टी शर्ट थी जो पहले 2,000 रुपीज की थी, फिर बाद में 2,500 की होगी, ये क्या हुआ, एक प्रोडक्ट महंगा हो गया, दिस इज वॉट, दिस इज इन्फ्लेशन, कोई चीज महंगाई दर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। द प्राइसेज ऑफ द थिंग्स राइज फास्टर देन द एक्चुअली शुड, वेयर द देयर इज इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस ओवर टाइम, राइट। द अर्लियर यू वर एबल टू परचेज दैट टी शर्ट फॉर 2,000 रुपीज, बट नाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है ना। उसके बाद रिस्क, रिस्क फैक्टर तो हमेशा है, जैसे कि आज की रेट में भैया पैसा दे रहा है तो ले लो, कल क्या पता भाग जाए, ठीक है ना, कल क्या पता भाग जाए सर। तो कहता है आज की रेट में दे रहा है, दे दे भैया। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर लोअर्स द वैल्यू ऑफ मनी, से फॉर एग्जाम्पल द नॉन रिसीट ऑफ द पेमेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स लाइफ और एनी अदर कंटीजेंसी विच मे रिजल्ट इन द नॉन पेमेंट और रिडक्शन इन द पेमेंट। वो कहता है कि क्या पता 2 महीने बाद दुनिया हो ना हो, 2 महीने बाद क्या हो जाए, क्या पता 2 महीने बाद तुम भाग जाओ, क्या पता सर यूके भाग जाओ, ठीक है। तो जो पैसा है दे जाओ, अभी अभी दो, आज की डेट में दो, हमें उसी में मजा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या सर, इंक्रीमेंटल मनी, ठीक है ना, 10,000 तो आना ही आना है, लेकिन क्या हमें कुछ इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा, बेनिफिट क्या होगा, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें से इंटरेस्ट कमाएंगे हम लोग। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कहां से आ रहा है, इंटरेस्ट। सो इट इज नाउ टाइम टू डिस्कस इंटरेस्ट क्या है। चलो उसके बाद उसने एक टॉपिक डिस्कस किया, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है कि सर मेरे पास दो चीजें हैं, एक मैं कहता हूं कि मेरे पास है प्रेजेंट वैल्यू जो आज की डेट की वैल्यू है, और दूसरी मेरे पास है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। मैंने कहा आज मेरी पॉकेट में 100 रुपया है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आज मेरी पॉकेट में 100 रुपीज है, मैं उसे बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं, बैंक कहता हूं मैं तुम्हें 10% का इंटरेस्ट दूंगा 1 साल के बाद, राइट, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। 1 साल के बाद क्या आया, फ्यूचर वैल्यू आई ना। तो मैं कहता हूं कि अगर आज मैं 100 रुपीज डिपॉजिट करवाता हूं बैंक में, जिसके ऊपर मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद मेरे पास पैसा कितना होगा। तो उन्होंने कहा जी 110 रुपए होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है, कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालना। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, मैं कहता हूं कि मुझे 1 साल के बाद 110 रुपए मिलने वाले हैं, मैंने किसी से 110 रुपए लेने हैं, उधार दिया था वो मैंने लेने हैं, तो मैंने कहा 1 साल के बाद 110 रुपए लेने हैं, ठीक है, उसकी मैं आज की डेट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मैं उसको 10% से डिस्काउंट करता हूं, मैंने कहा 100 रुपए, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना। सर ये डिस्काउंटिंग वाली जो चीज है सुनी सुनी है कुछ, क्या हमने कहीं पर भी FM में पढ़ी है ये डिस्काउंटिंग वाली चीज, कहीं पर तो सुना है सर कुछ डिस्काउंटिंग वाली चीज, एक चैप्टर किया था हमने कैपिटल बजटिंग का, हम लोगों ने चैप्टर किया था कैपिटल बजटिंग का, या जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो आपकी बुक में नाम दिया गया है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कई बार स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का चैप्टर नहीं करवाया, तो बेटा कैपिटल बजटिंग के नाम से मैंने उसे लिखा हुआ है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक ही चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों ने। तो डिस्काउंटिंग क्या है कि फ्यूचर में हमें कुछ कैश फ्लोज होने वाले हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने, तो वहां पर हम लोग एक डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं, करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल सर।
ठीक है। तो ये था कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। उसके बाद आया सर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द सिंपल परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। सपोज करो कि मैंने एक किसी को उधार दिया, ठीक है, तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 100 रुपीज, और जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 10%, और ईयर्स हो गए सपोज 5, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को अगर करना हो, हमें वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करते हैं सर, हर साल ईयर 1 हो, ईयर 2 हो, ईयर 3 हो, ईयर 4, ईयर 5, हम लोग हर साल इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालेंगे? बेसिक वैल्यू के ऊपर हम लोग हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है जी। जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है हम लोग हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे। सो दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, वर्ड ओरिजिनल द फॉर्मूला इज सिंपल सी बात है सर, जितना प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, ये तो सिंपल है। उसके बाद आया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? वैसे तो आप सब जानते ही हो, लेकिन स्टिल हम लोगों को तो डिस्कस है, डिटेल में करना है। वॉट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर से वही एग्जाम्पल लूंगा, आप लोगों ने किसी को दिया प्रिंसिपल इंटरेस्ट जिसमें रुपीज 100 था, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट 10% का, ईयर्स 5। अब इसमें क्या होगा सर, ईयर 1 में आपका इंटरेस्ट कितना होगा, आपकी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 100 प्लस 10% ऑफ 100, ठीक है, 10% ऑफ 100 कितना हो गया 110, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यही होगा। अब ईयर 2 में आप लोग किस तरह कैलकुलेट करोगे सर, 110 रुपए उसकी वैल्यू थी, प्लस इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, ना कि बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट पे। अब हम करेंगे इनटू 110, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर सर कैलकुलेट होगा हमारा इंटरेस्ट। ईयर 3 में क्या होगा सर? अच्छा चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, अब कितना हुआ, प्लस 10% किया 121। अब ईयर 3 में क्या होगा मेरे पास, ईयर 3 में 121 था प्लस इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा, 121 के ऊपर कैलकुलेट करूंगा अब मैं। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, कि इंटरेस्ट जब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो प्रीवियस ईयर की प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट होगा, एंड सो ऑन। ठीक, क्लियर है? So if the interest is calculated on the original principal, it is simple interest. When the interest is calculated on the total of previously earned interest and the original principal amount, it is compound interest. Naturally, the amount calculated on the basis of compound interest is higher than when calculated. Obviously, sir, जब हम लोग interest ज़्यादा amount पे लगाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने year 2 की बात की, तो हमने interest लगाया 100 रुपए के ऊपर, यहाँ पर लगा रहे हैं हम लोग 110 रुपए के ऊपर, तो obviously तो value तो ज़्यादा होगी ना। अगर इंटरेस्ट ही हम लोग हायर अमाउंट पे चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपकी जो वैल्यू है दैट विल बी हायर। ठीक, क्लियर हो गया? अब बात आई सर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की, हम लोगों ने बात की। तो कहते हैं कि अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? बहुत सिंपल सी बात है सर, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं इस तरह से। क्या वो कहते हैं, मुझे फ्यूचर में कुछ पैसा चाहिए, कितना चाहिए? वो कहता है आज कितना पैसा है, 100 रुपए। वो कहता है ये ऐसा कर, ये 100 रुपए जाके बैंक में डिपॉजिट करा दे एक साल के लिए। और बैंक में, मैं बैंक में चला गया, मैंने कहा भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? कहते 10% मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा जी, 1 + 0.10, 10% का इंटरेस्ट कमाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है ना। 100 रुपीज थे, 100 रुपीज के ऊपर मैं 10% का इंटरेस्ट कमाऊंगा, कितना, एक साल का। तो ये मेरे पास क्या आएगी, फ्यूचर वैल्यू आएगी 110 रुपए एक साल बाद, राइट। अगर मैं इसको 2 साल बाद कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं यहां पे कर दूंगा 2, अगर 3 साल बाद तो मैं यहां पे कर दूंगा 3,
राइट. सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एन जो है दैट इज द टाइम पीरियड. ठीक है, आई क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स पर पीरियड. कई बार हम लोग कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली करते हैं, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि दो बार हम उसको कंपाउंड करेंगे. जो रेट है उसको हम लोग पहले 0.5 फिर 0.05 सॉरी. ठीक है, तो रेट आई क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स पीरियड पर ईयर, कि अगर सेमी एनुअली है तो 2 से हो जाएगा, अगर क्वार्टरली है तो 4 से हो जाएगा, अगर एनुअली है तो 1 से होगा. सिंपल सी बात है सर. ठीक है, तो इसके ऊपर अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बिल्कुल सिंपल लॉजिक्स हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक्स हैं कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है. राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच.